डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास टेंथ में जो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों का ये अम्ल, क्षार और लवर है। और आई होप कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर एक दो दिन में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का लास्ट चैप्टर चल रहा है, अम्ल, क्षार और लवण, जो कि एक केमिस्ट्री का पार्ट्स है। ठीक है, तो फिजिक्स में भी हम लोगों का दो चैप्टर हो चुका है, केमिस्ट्री का भी ये दूसरा चैप्टर है। तो इस तरीके से हम लोग अब जो स्टार्ट करेंगे एक दो दिन के बाद, जब ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, यानी आज जो है हम लोगों का बुक का जितना भी थ्योरी है वो तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ प्रश्न उत्तर रह जाएगा। ठीक है, तो वो भी एक दो दिन मान के चलिए कि ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आप जान रहे थे कि हम लोग साधारण लवण के रूप में जो इसका कच्चे पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं, वो बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब इस्तेमाल करते हैं, व्यंजक चूर्ण जिसको कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे धोने के सोडा के बारे में, धोवन सोडा भी बोलते हैं, धोने का सोडा। तो ये टॉपिक बनाया जाए धोने का सोडा। अब जैसा कि आपको हम पिछले दिन पढ़ाए थे कि एक होता है बेकिंग सोडा दोस्तों, और बेकिंग सोडा का फार्मूला जो बताए थे हम, NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3 ये होता है हम लोगों का धोवन सोडा, यानी कि धोने का सोडा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग धोने का सोडा को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका फार्मूला ध्यान रखिएगा क्या होता है। वो तो NaHCO3 किसका फार्मूला है, तो ये है बेकिंग सोडा का, खाने वाले सोडा का, जिसमें हम लोग पकवान वगैरह में डालते हैं। ठीक है, ताकि पापड़ी बन सके, वो फूल सके। आज हम लोग धोने का सोडा, जो धोबी लोग अपने कपड़े को साफ करते हैं, तो वो केमिकल जो होता है ना, वो केमिकल किस रूप में होता है, धोने के सोडा के रूप में होता है। और उसका फार्मूला याद रखिएगा, Na2CO3.10H2O। ठीक है, क्या होता है उसका फार्मूला, Na2CO3.10H2O। जी हाँ, ये होता है धोने का सोडा का फार्मूला, याद रखिएगा। इसको डॉट पढ़ते हैं, ठीक है, फार्मूला में डॉट है, ये पॉइंट दशमलव नहीं पढ़िएगा, Na2CO3.10H2O, ये फार्मूला होता है धोने का सोडा का। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि धोने का जो सोडा का निर्माण कैसे होता है, आखिर ये धोने का सोडा बनाया कैसे जाता है। लिखा जाए फर्स्ट एरो देकर, जब सोडियम कार्बोनेट को जल के 10 अणु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो धोने का सोडा का निर्माण होता है, चलिए तो याद रखिए कि धोने का सोडा का निर्माण कैसे होता है। अगर कहीं आएगा कि धोने का सोडा कैसे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 के साथ, अगर जल को तो H2O कहते हैं, और इसका 10 अणु का मतलब 10H2O, यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट को जल के 10 अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब बनता है Na2CO3.10H2O। इसी को कहते हैं धोने का सोडा। तो याद रखिएगा, धोने का सोडा कैसे बनाया जाता है, तो जब सोडियम कार्बोनेट को जल के 10 अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब धोने का सोडा बनाया जाता है।
अब ये दो जो धोने का सोडा में ये 10H2O है, इसी को कहते हैं रवाकरण का जल, याद रखिएगा। तो इसको ना नोट में करके लिख दीजिए, ठीक है, डॉट 10H2O को रवाकरण का जल कहा जाता है, रवाकरण का जल कहा जाता है। देखिए अब रवाकरण किसको कहते हैं, तो जब किसी भी फार्मूला में डॉट के बाद अगर एक एच टू ओ, हाफ एच टू ओ, टू एच टू ओ चाहे थ्री, यानी डॉट अगर मिल जाए, डॉट के बाद अगर वाटर मिल जाए, तब हम उसको कहते हैं रवाकरण का जल। इसका पहचान है, किसी भी फार्मूला में अगर डॉट मिल जाए, सब फार्मूला में नहीं होता है, एक ही दो फार्मूला में होता है, तो उसको याद रख लीजिए कि यहाँ पे 10H2O को क्या कहेंगे, रवाकरण का जल, चाहे कोई भी फार्मूला हो, ठीक है। अगर उसमें पॉइंट के बाद अगर जल लिखा रहे, चाहे 2H2O रहे, चाहे कितना भी H2O रहे, 5H2O, 10H2O, तब भी उसको हम लोग रवाकरण का जल कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे धोने का सोडा का उपयोग निम्नलिखित है, धोने के सोडा का उपयोग निम्नलिखित है। जी हाँ, अब धोने के सोडा का उपयोग क्या है, तो निम्नलिखित है, तो उसके नीचे पहला लिखेंगे, पहला इसका उपयोग कांच कौमा साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, इसका उपयोग कांच माने शीशा कौमा साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है। जी हाँ, तो इसका तीन जगह उपयोग होता है मेन, एक कांच साबुन और कागज उद्योग, उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज कंपनी ना। दूसरा में लिखा जाए घरों में साफ सफाई के लिए होता है, जलों में सॉरी घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जी हाँ, जैसे मान लिया कि घरों में जो कपड़ा वगैरह धुलाता है, घर के जो दीवार वगैरह साफ किए जाते हैं, तो वो धोने के सोडा से साफ किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा लिखा जाए जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। तीसरा में लिखा जाए जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। चलिए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम लोग कागज उद्योग व यहाँ पे साबुन उद्योग, कांच का उद्योग में धोने का सोडा का इस्तेमाल करते हैं, वही नहीं घरों में सर सफाई के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कपड़ा धोना या फिर अपना बेंच डेस्क जहाँ पे है उसको साफ सफाई करना, टेबल कुर्सी साफ सफाई करना, दीवाल गंदा हो गया उसको सफाई करना, तो इसमें हम लोग सफाई के लिए भी यूज करते हैं। और जल के अस्थाई कठोरता कहने का मतलब क्या है, जल के अस्थाई कठोरता का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोगों का कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जो कपड़े में गंदगी इस कदर बैठ जाती है कि बिना साबुन या आप मार्जक की सहायता से वो बाहर नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जल के अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं धोने सोडा का। तो ये यूज था, तो ये धोने के सोडा से यही सवाल आ सकता है कि इसका फार्मूला कैसे है, ये कैसे बनाया जाता है, इसमें रवाकरण जल की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 10 रवाकरण का जल होते हैं ना। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में ना दोस्त POP कहते हैं, POP, P माने प्लास्टर, O माने ऑफ, P माने पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोगों का टॉपिक्स है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो POP होता है।
पहले समझते हैं कि आखिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला कौन सी होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो फार्मूला होता है, आपके पास जगह होगा इधर, जैसे इसको कैसे लिखे वैसे ही, तो लिखिएगा इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ एच टू ओ, हाफ मतलब 1/2 एच टू ओ। देखिए, यानी कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। हालांकि क्या है इसका हम जवाब अभी सीखने वाले हैं, लेकिन अभी तक के आप ये समझिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में POP कहते हैं, पॉप भी कहते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ एच टू ओ भी पढ़ सकते हैं, या फिर इसी को CaSO4 डॉट 1/2 एच टू ओ भी पढ़ सकते हैं। और इसका अगर नाम के बात किया जाए तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध अर्ध का मतलब आधा, हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट, यानी कि ये हो जाएगा रासायनिक नाम। जैसे हम लोग सोडियम कहते हैं ना Na को, उसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको कह सकते हैं, और इसी को कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी कह सकते हैं। अर्ध का मतलब 1/2। तो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये हो गया रासायनिक नाम, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला कौन सा होता है, तो CaSO4 डॉट 1/2 एच टू ओ, ठीक है। चलो, इतना करने के बाद अब जाके फर्स्ट एरो देना है। फर्स्ट एरो में लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, फर्स्ट एरो में लिखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट हाफ एच टू ओ होता है, डॉट हाफ एच टू ओ होता है। जी हाँ, ये तो हम लोग इधर भी पढ़े, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे जिप्सम, जी आधा प और स और म। अब आपको एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है कि आखिर ये जिप्सम क्या है, तो हम आपको बताने वाले हैं, अभी आप घबराइए नहीं। जिप्सम पहले लिख लीजिए कि क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट 2H2O होता है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे कन्फ्यूजन वाली बात है, अब क्या है ना कि एक जिप्सम क्या है, इसके बारे में हम जो है अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि ये समझिए कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ एच टू ओ, तो इसमें रवाकरण का जल कितना है, हाफ 1/2। लेकिन एक पदार्थ का नाम याद रखना है जिप्सम, ठीक है। और ये जिप्सम ना दोस्त बहुत ही कड़ा पदार्थ है, और ये बनता है जिप्सम किस से, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करेंगे ना, तो इतना कठोर पदार्थ बन जाता है कि उसको हम लोग रेती से रेत रेत के काटना पड़ता है, हम अभी बताएंगे डीपली। हालांकि अभी समझिए कि एक पदार्थ है जिप्सम, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 डॉट 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा जिप्सम, और इसे 2 के जगह पे 1/2 लिख देंगे तब ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो दो पॉइंट्स हम लोग लिखें कि एक में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, दोनों से रिलेटेड सवाल आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, या फिर जिप्सम का सूत्र क्या है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सवाल इससे बहुत अच्छे आते हैं और एकदम VVI पॉइंट्स है, नहीं है तो इसको लिख ही लीजिए VVI, ठीक है। ये तो हो गया, अब हम लोग समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है। जैसे भी कैसे देखे कि धोने का सोडा कैसे बनाया गया, विरंजक चूर्ण कैसे बनाया गया, है ना, उसी के तरह अब हम लोग देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे जब जिप्सम को
373 केल्विन ताप पर, के माने केल्विन ना, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो, गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चलिए अब इसके नीचे अभिक्रिया दिखा दीजिए। सबसे पहले जिप्सम को गर्म करना पड़ रहा, तो जिप्सम का फार्मूला कुछ होता है Ca(SO4.2H2)। ये क्या है भाई, याद रखिएगा हमेशा जिप्सम है। और इस जिप्सम को कितना ताप देना पड़ता है देख लो, इतना हाई टेम्परेचर देते हैं 373 केल्विन, यानी कि बहुत कठोर पदार्थ होता है जिप्सम, ठीक है। और इसी कठोर पदार्थ की वजह से इसको पूरा एकदम वात्या भट्टी में, जहाँ पे एकदम आग का गोला, एकदम पूरा हाई टेम्परेचर का आग रहता है, वहाँ पे ना इसको गर्म किया जाता है। जैसे ही जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है Ca(SO4.1H2O), ½H2O + 3/2H2O, और इसी ½H2O को कहते हैं हम लोग POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद रखिएगा कोई भी सवाल, और इससे एकदम इम्पोर्टेंट ही वाला सवाल आता है, तो आप इसको लिख दीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो यहाँ अभिक्रिया देखकर नहीं पता चल रहा है, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। उसके नीचे ये वाला अभिक्रिया दिखा दीजिएगा कि जिप्सम का फार्मूला ये होता है, हम यहाँ ताप दिए 373 केल्विन तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। याद रखिएगा जिप्सम के वजह से हम यहाँ पे ताप ज़्यादा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये कठोर पदार्थ है, ठीक है। और ये कठोर पदार्थ बन जाता है, कैसे बन जाता है, तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो कभी किसी का हाथ पैर अगर टूटता उठता है तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं ताकि हड्डी जो है जुट जाए, ठीक है। तो हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं कैसे करते हैं डॉक्टर साहब, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक डब्बा आता है पैकिंग, वहाँ से निकाल कर एक बहुत ही पतला धूल जैसा, आटे जैसा, एकदम पूरा व्हाइट कलर का प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है डिब्बा में पैकिंग, और उसको पट्टी की सहायता से पूरा जहाँ पे फ्रैक्चर होता है वहाँ पे ना उसको बांध दिया जाता है। और फिर यानी कि किसके साथ मिलाकर, तो पानी के साथ। जैसे मान लिया कि पट्टी पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, फिर पानी का लेप कर देते हैं, यानी पानी की सहायता से उसको लेप कर दिया गया, उसको प्लास्टर कर दिया गया। और कुछ दिन के बाद वही पानी के साथ, यानी कि जब ये पानी के साथ, इसका उल्टा समझिए, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक डब्बा आता है पैकिंग में, ठीक है, मेडिकल स्टोर पर मिलता है, और ये डब्बा में एकदम व्हाइट कलर का आटे जैसा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस धूल होता है, और जैसे ही वो नमी के संपर्क में अभिक्रिया करेगा तो एकदम ठोस पदार्थ बना लेता है जिसको जिप्सम कहते हैं। इसीलिए उस पर डब्बा पर लिखा रहता है कि इसको ना नमी से दूर रखिए, क्योंकि पूरा जम जाएगा, सीमेंट से भी तगड़ा जम जाता है। तो जब उस फ्रैक्चर हुआ पार्ट पे जब प्लास्टर कर दिया जाता है, तो जब प्लास्टर कटता है तो आप प्लास्टर कटते हुए देखते होंगे कि जो लोहा वाला रड से नहीं हम लोग काटते हैं, लोहा के रड को जो वो काटता है, तो उससे हम लोग रेत रेत कर ना इसको काटते हैं, क्योंकि वो लोहा से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जिसका नाम है जिप्सम। तो याद रखिएगा कि जिप्सम बहुत कठोर पदार्थ है, इसलिए इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इसका उल्टा याद रखिएगा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ, जल के कई गो अणु, तो 3/2 अणु के साथ मिलाते हैं, तब वो जिप्सम बन जाता है, ठीक है। चलिए तो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या उपयोग है, तो उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग निम्नलिखित हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला में लिखेगा डॉक्टरों द्वारा हड्डियों को जोड़ने में,
जी हाँ, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसकी सहायता से फ्रैक्चर के ऊपर प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, तो पहला में क्या लिखें, डॉक्टरों द्वारा हड्डियों को जोड़ने में। दूसरा लिखेगा मूर्तियों के सांचे बनाने में। देखते होंगे जब मान ली कि सरस्वती पूजा में सरस्वती जी जब बनाए जाते हैं, विश्वकर्मा जब पूजा आता है तो विश्वकर्मा भगवान का मूर्ति जब बनाया जाता है तो उसका जो मुंडी होता है ना वो चिकना बनाया जाता है। तो चिकना क्यों होता है उसका मुंडी, क्योंकि उसका जो जिस तरह का सांचा होता है उसी में हम लोग ना मिट्टी को डालते हैं। तो उसका सांचा जब बनाया जाता है तो सांचा किसका बनाया जाता है याद रखिएगा, वो बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ध्यान रखिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ, मूर्तियों के सांचे बनाने में भी उपयोग करते हैं। इसीलिए देखते हैं पूरा विश्वकर्मा भगवान सरस्वती का मुंह जो है कितना चिकना होता है, वो मिट्टी का होता है लेकिन चिकना है। क्यों चिकना होता है, क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया रहता है। तो याद रखिएगा ये कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल किया रहता है जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं मूर्तियों के सांचे बनाने में। दूसरा लिखेंगे कि मूर्तियों के सांचे बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा लिखा जाए दरवाजे तथा खिड़कियों के छिद्रों को बंद करने में। जी हाँ, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मान लिया कि दरवाजा और दरवाजा में कहीं छेद उद हो गया ना, तो उसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लीजिए हाथ पे और पानी में थोड़ा सा ये गीला करके और उसको बंद कर दीजिएगा ना, कभी वो नहीं छूटेगा, बहुत कठोर बन जाता है, जिप्सम ना बन गया वो तो फिर कभी नहीं छूटेगा। तो याद रखिएगा तीसरा में क्या लिखे हम लोग, खिड़कियों तथा दरवाजे, चाहे दरवाजे तथा खिड़कियों के छिद्रों को बंद करने में। तो दोस्त ये था हम लोगों को लास्ट पॉइंट, इस तरीके से पूरा चैप्टर हो गया ख़त्म। और फिर अगले क्लास से हम लोग चलेंगे इसी चैप्टर का, 1 से 2 दिन लगेगा इसका ये करने में प्रश्न उत्तर। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।